फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस सुनेगा। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, चेयरमैन पीटीआई, अटर्नी जनरल और सूबों को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के बाद गिरफ्तार अफराद की तफसीलात तलब कर रखी है। टाइटैनिक के मलबे को देखने जाने वाले टाइटन आबदोज के तमाम सयाहों की हलाकत का ऐलान। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने अमवात की तस्दीक कर दी। कैनेडियन रोबोट को टाइटैनिक के करीब से कुछ मलबा मिल गया। लैंडिंग गियर और पिछला हिस्सा शामिल। आबदोज कंपनी ओशियन गेट के मुताबिक लाशों की तलाश जारी। एम नहीं कितना वक्त लगेगा। पाकिस्तानी शहजादा दाऊद, बेटे सुलेमान समेत 5 अफराद सवार। जब तक आलमी मुआशी इंसाफ नहीं होगा, दुनिया खतरात से दो चार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। पेरिस में गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए पॉलिसी मुरतब करना होगी। पाकिस्तान में सैलाब से 20 लाख घर मुकम्मल तबाह हुए, 35 लाख लोगों को बेघर होना पड़ा। सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा ने तबाही अपनी आंखों से देखी। बिल्डर से भत्ता तलब करने पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 3 इंस्पेक्टर्स गिरफ्तार। मुलजिमान में बिल्डिंग इंस्पेक्टर उमेर करीम, अमीन और जफर उर्फ सिपारी शामिल। डेप्टी डायरेक्टर सैयद उवैस हुसैन फरार। ट्रेडी पुलिस स्टेशन में भत्ताखोरी और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज।